हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बाज़ार इनसाइट की यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर रोज़ मैं आता हूं मार्केट आवर्स की बाद, मार्केट बंद होने की बाद, और मैं डिस्कस करता हूं उसके नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के बारे में। और वहाँ पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है वो थोड़ा डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद तीन ऐसे कॉल लेके हर रोज़ मैं आता हूँ इस चैनल पर, जिसमें आप इंट्राडे के लिए नेक्स्ट डे ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है, विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, कल जैसे कि आप जानते हैं सैटरडे है, तो कल तो मार्केट बंद है, तो ये जो कॉल होगा मंडे के लिए होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रखिए, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके खुद भी इसको कोशिश कीजिए चार्ट में एनालाइज करने के लिए, ठीक है। ये क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कहाँ से बाज़ार घूट मुड़ सकता है, कहाँ से ऊपर जा सकते हैं, कहाँ से नीचे आ सकता है, लेवल्स थोड़ा इधर उधर चेंजेस होता है। तो ये आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप समझते हैं आज एक दो ट्रेड में आप प्रॉफिट करेंगे, उसके बाद लॉसेस होगा, आप बाज़ार से निकल लेंगे, तो अलग बात है, वो चीज़ अलग बात है। और जो लोग सीरियस है उन लोगों के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, खुद को एडुकेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। और कल से मेरा न्यू बैच भी चालू हो रहा है ट्रेनिंग का, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का। जो लोग पुराना है जानते हैं, और जो लोग नया है उन लोगों के लिए फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, कल से शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे, 1 घंटे करके 10 डेज़ का कोर्स रहेगा। इसमें इंट्राडे ट्रेड का सब कुछ सिखाया जाएगा, स्विंग ट्रेड के बारे में सिखाया जाएगा, और चार्ट रीडिंग, और उसके साथ ऑप्शन का कुछ ट्रिक्स बताया जाएगा, और उसके साथ आपका स्टॉक सिलेक्शन से लेकर कैसे आपको उस पर ट्रेड करना है, किस टाइम इसको अवॉइड करना है, किस टाइम उसको एंट्री लेना है, और पूरा एकदम रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ सिखाया जाएगा। 10 डेज का कोर्स है। तो दोस्तों, जो लोग अभी भी चाहते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। कल मॉर्निंग तक ही मैं इसका बुकिंग लूँगा। और इसका फीस जो है दोस्तों, कम से कम का है, इतना ही कि आप एक ट्रेड में उसको निकल सकेंगे, इतना कम ले रहा हूँ, ठीक है। मैं से एक सेल ट्रेडर हूँ, मैं समझता हूँ, तो इसमें कोई आपका ह्यूज अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एडुकेशनल पर्पज़। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना कि कोई एडवाइज़री फॉर्म के लिए काम करता हूँ। और ये कॉल देने के लिए मेरा कोई फीस नहीं है, मैं हर रोज़ इस चैनल पर आऊँगा और आप लोगों को फ्री में कॉल दे के जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप में ज्वाइन करने को, तो यहाँ पर दिया हुआ है लिंक, आपका डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हर रोज़ मॉर्निंग को निफ्टी का लेवल्स पोस्ट कर देता हूँ, और कभी कभार क्या करता हूँ, अगर कुछ अच्छा मिले तो वहाँ पर दे देता हूँ। और जो स्टॉक्स आज मैं बोलूँगा वो नेक्स्ट डे लाइव मार्केट में क्या अपडेट होता है वो भी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और खुद का कोई ट्रेड किया तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं भेज देता हूँ, तो चाहे तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, कल मैंने जो 3 कॉल दिया था उसका रिव्यू पहले कर लेते हैं। कल मैंने वीडियो आप देख सकते हैं, आप मेरा चैनल पर यहाँ पर जाके आप अपलोड्स में देखिए, यहाँ पर एक 22 आवर्स पहले जो वीडियो दिया था, एपिसोड 15 इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो 4th सितंबर, यानी कि आज के लिए, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने क्लियर कट एक चीज़ बोला था, आज मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग वो ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो ट्रेड बाई में था, ठीक है, तीनों बाई में था। तो आज तो आपको पता है क्या हुआ, आप सुबह से मार्केट कितना नीचा गया, और उसके बाद तो एकदम थोड़ा वो करेक्शन किया, लेकिन बाद में फिर से गिर गया। तो आपको पता है गैप डाउन क्या होता है। गैप डाउन में बाई कॉल्स को अगर आप जो मैंने दिया था मेरे मना करने की बाद भी अगर आपने उसमें किया तो उसमें तो आपका फॉल्ट है, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे कोई। मैं क्लियर कट अब चेक कर सकते हैं वीडियो में जाके, मैंने मना किया था अगर गैप डाउन होने वाला होता है
कल, तो उसमें एंट्री मत लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, देख लेता हूँ आज निफ्टी फिफ्टी में क्या हुआ था। निफ्टी का आज का जो हाई था 11,452 और लो था 11,303 का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे एक पैटर्न बनाया है, एक स्पिनिंग टॉप की तरह, एक डोजी की तरह पैटर्न है निफ्टी का। और मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन बना हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज है निफ्टी भी कि ऊपर जाना है कि नीचे आना है, इसलिए ऐसे जहाँ पर ओपन हुआ था लगभग वहाँ पर ही क्लोज़ हो गया, आसपास जाके थोड़ा ओपन से ऊपर। लेकिन मेरा जो व्यू है निफ्टी में, ये थोड़ा अभी भी बुलिश भी हुई है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एक बार नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया, और अभी ये करेक्शन हुआ है। लग तो रहा है यहाँ से दो चार और कैंडल ऊपर बनाएगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो निफ्टी में लंबी के लिए आपका कोई सेल नहीं बनता अभी भी, ठीक है, अभी भी बुलिश ट्रेंड ही है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज हाई था 23,387 और लो था 22,878 का। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी सेम एक डोजी टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है मुझे, और यहाँ पर देख सकते हैं गैप भी है। तो मुझे लगता है ये मंडे से फिर से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी अच्छा है, और यहाँ से अगर ऊपर जाने जाके ये गैप भी फील कर सकता है। तो आप लोगों को बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बाई में रहना ही अच्छा है, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि और नीचे जाने वाला है, और बाकी तो पता नहीं, मार्केट का अपना दिशा है तो हम लोग उसको पकड़ के ट्रेड करेंगे, ठीक है। और मुझे ये चीज़ जो लगता है, थोड़ा करेक्शन हुआ है, ठीक है, और ये बेयरिश पैटर्न नहीं है, एक करेक्शन पैटर्न है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मंडे के लिए, यानी कि 7 सितंबर के लिए तीन कॉल जो मैंने आपके लिए लिखकर लेके आया हूँ, चाहे तो आप भी लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉल जो मेरा है वो है एक्सिस बैंक में। एक्सिस में मैं देख सकते हैं दोस्तों आज क्या पैटर्न बनाया है। हाई दिया 472 का और लो हुआ 452.65 का, ठीक है। एक बेयरिश कैंडल बनाया हुआ है, कुछ दिनों से ही ऊपर से एकदम नीचे आ गया एक्सिस बैंक, एकदम एक दो तीन चार पाँच दिनों से लगातार गिरावट वीक का। वीकली चार्ट में अगर हम लोग जाके देख सकते हैं तो इसमें एक बेयरिश कैंडल तो बनाया है, देख सकते हैं आप वीकली कैंडल में भी एक बेयरिश कैंडल बनाया हुआ है, और उसके पहले एक था लेकिन एक बुलिश कैंडल था, उसके बाद यहाँ से गिर गया। तो मुझे लगता नहीं ये थोड़ा और ऊपर जाए, लगता नहीं नीचे जाएगा, यहाँ से फिर से बैक कर सकता है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में जो कॉल है बाई कॉल, एक्सिस बैंक बाई नियर 450, स्टॉप लॉस 436, टारगेट 480। एक्सिस बाई नियर 450, स्टॉप लॉस 436, टारगेट 480। और एक बात दोस्तों, आप जो नए हैं जो पुराने हैं, सभी को मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाना। उसमें क्या होता है दोस्तों, मेरा थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। हर रोज़ मार्केट आवर्स के बाद मैं आता हूँ वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए ना दोस्तों। तो उसको आप लोग कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको डेली बेसिस ये लेवल्स चाहिए तो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉल है मेरा वो है रिलायंस का। रिलायंस भी देख सकता है एक छोटा सा कैंडल बनाया हुआ है, हाई था 2096.95, लो था 2072.45 का। ये हाई लो बनाया हुआ है रिलायंस में, क्लोजिंग दिया है 2079.65 का, ठीक है। और मेरा जो कॉल है रिलायंस में वो है रिलायंस बाय नियर 2060, स्टॉप लॉस 2022, टारगेट 2100। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, रिलायंस बाई 2060, स्टॉप लॉस 2022, टारगेट 2100, ठीक है दोस्तों।
तो ये था मेरा रिलायंस का कॉल। और एक बात फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, कल से यानी कि 5 सितंबर से 8 बजे से मेरा न्यू बैच ट्रेनिंग का, बैच इंट्राडे ट्रेडिंग का सब कुछ सिखाया जाएगा विथ टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग। तो उसको अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसमें आप जाके बात कर सकते हैं। फ़ीस मिनिमम से मिनिमम का है, ठीक है, एक ट्रेड में वो आपको आप निकल जाएंगे, वो फीस आप निकल पाएंगे मार्केट से, और इतना कुछ सीखने को आपको मिलेगा वो आप आइडिया भी नहीं कर पाए आ पा रहा है अभी। आप एक काम कर सकता है, वीडियो की आई बटन में और एंड स्क्रीन में मैंने पिछले बैच का एक क्लास डेमो पर्पस दिया हुआ है, वो जाके आप देखिए, उसको ज्वाइन करिए कि ना करिए वो तो बात का चीज़ है, पहले उसको देखिए, ठीक है, वो देख के आपको समझ में आएगा क्या होने वाला है ट्रेनिंग में, ठीक है, उसको आप देखिए, ये थोड़ा रिक्वेस्ट है। थर्ड कॉल में बढ़ता हूँ दोस्तों, थर्ड कॉल जो है टाटा स्टील का है, ठीक है, कल भी मेरा कॉल था टाटा स्टील का, बाई कॉल था, लेकिन मैं क्लियर कट बोल दिया था कि उसमें आपका अगर गैप डाउन मार्केट होता तो हम लोग बाई नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। तो टाटा स्टील में बाई कॉल जो था, बाई कॉल जो है मंडे के लिए, वो है, आप पहले देख लेते हैं टाटा स्टील में क्या हुआ। आपका ओपन हुआ 428.1 में, लो दिया 419.05 और क्लोजिंग हुआ है 421.8 का, ठीक है। तो टाटा स्टील में मेरा जो व्यू है मंडे के लिए वो है एक बाई कॉल, टाटा स्टील बाई नियर 417, स्टॉप लॉस 406, टारगेट 436, टाटा स्टील बाई नियर 417, स्टॉप लॉस 406, टारगेट 436, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का 3 कॉल जो आप मंडे के लिए ट्रेड कर पाएंगे, ट्रेड के लिए, मंडे की ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए। और दोस्तों चलता हूँ, ठीक रहिए, अच्छे रहिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वही चीज़ है। और फिर मिलता हूँ, अगर कल कोई वीडियो दे पाते कुछ अलग चीज़ को लेकर, कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर मंडे आफ्टरनून आपसे फिर से बात होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।